नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आरआरबी में, रेलवे में, विशेष तौर पर आपके जीएस के सिलेबस में दी हुई है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म डाल रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन का, दोनों में जीएस के अंतर्गत एक टॉपिक और इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है, इंडियन स्पेस जो है प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आज मैं आपसे बारे जो है बात करने वाला हूं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। कुछ चीजें विशेष तौर पर हैं, जैसे पहली जो आपकी लाइन लिखी है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि जो इन कॉस्पोर थी, इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, 1962 में की थी, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इन कॉस्पोर का विकास जो है हुआ और 1969 में यही इसरो बन गया। इसरो की जो स्थापना थी यह 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर। 1972 में जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी। भारत का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पहला उपग्रह जो है कब प्रक्षेपित किया गया, आर्यभट्ट था। 1975 में किस देश के सहयोग से, सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे पूछता है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन क्या है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है जो कि बेंगलोर में स्थित। रोहिणी की जब हम बात करते हैं तो 1980 में भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, रोहिणी था। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि भारत की उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली के बारे में, यानी हमारे यहां जो प्रक्षेपण एक तरीके से यान है वह कौन कौन से होते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं जो विशाल रॉकेट होते हैं, जो उपग्रह, रोबोटिक अंतरिक्षयान और मानव सहित अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में ले जाते, इनको हम बोलते हैं प्रक्षेपण यान, यानी लॉन्चिंग व्हीकल। ये जो व्हीकल होते हैं इनमें 3 या 4 चरण होते हैं। पृथ्वी के सतह से प्रक्षेपित होने के बाद प्रक्षेपण यान एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान को उसकी जो है अपेक्षित कक्षा में स्थापित करने के लिए 10 से 30 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है, 10 से लेकर 30 मिनट। दूसरी बात, भारत का प्रथम जो प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था जिसको SLV-3 कहा गया, 1980 में डेवलप किया गया। दूसरी चीज, बाद में इसी के संवर्धित संस्करण जिसको SLASLV नाम दिया गया, इसका प्रक्षेपण 1992 में किया गया। और भारत के पास इस समय दो आपके क्या हैं, परिचालन लॉन्चर हैं, एक आपका है PSLV और दूसरा होता है GSLV। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो 1979 अगस्त में SLV-3 की पहली प्रयोगात्मक उड़ान आंशिक रूप से ही सफल हुई थी, पूरी तरीके से यह सफल नहीं था। भारत का पहला सफल प्रायोगिक उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है वह 18 जुलाई 1980 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसके द्वारा रोहिणी उपग्रह RS-1 को क्या किया गया था, कक्षा में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अगस्त 1979 की जब हम बात करते हैं तो SLLV जो है SLV-3 की पहली प्रयोगात्मक उड़ान आंशिक रूप से ही सफल थी। जुलाई 1980 और मई 1981 और अप्रैल 1983 में SLV द्वारा क्या किया गया था, ठीक है, जो रिमोट सेंसिंग सेंसर से युक्त होते हैं, रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई ASLV क्या होते हैं, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान जो होते हैं इनका विकास 150 किलोग्राम अर्थात SLV से 3 गुने भार वाले जो पेलोड्स होते हैं उनको निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। SLV जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 4 विकासात्मक जो है उड़ानें आयोजित की गई। पहली जो है 24 मार्च 1987 को, दूसरी उड़ान 13 जुलाई 1988 को और 20 मई 1992 को जो है यह सफलतापूर्वक तब प्रक्षेपित हुई जब जो है SLOS, ठीक है, सी 106 किग्रा का था। इसको क्या किया गया था, इसको जो है इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। 4 मई 1994 को ASLV-D4 द्वारा SLOS C2 को क्या किया गया था, कक्षा में स्थापित किया गया था। ये 4 इसकी क्या होती हैं, 4 विकासात्मक उड़ानें होती हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको हम कहते हैं PSLV। PSLV की जब हम बात करते हैं यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो का प्रथम प्रचालनात्मक प्रक्षेपण यान होता है, ठीक है। 1600 किग्रा भार वाले उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 620 किलोमीटर पर और 1050 किग्रा के भार के उपग्रहों को भूतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित करने में PSLV आपका सक्षम होता है। PSLV में बारी बारी से ठोस और द्रव नोदन प्रणाली, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका उपयोग करते हुए 4 चरण बनाए गए। प्रथम चरण में क्या करते हैं, सर्वाधिक बड़े ठोस जो है नोदन बूस्टर होते हैं उनमें से एक होता है इसमें से। दूसरी चीज जब आप देखेंगे तो PSLV की विशेषता क्या है, इसकी ऊंचाई 44 मीटर है, व्यास इसका 2.8 मीटर है, चरणों की संख्या इसमें 4 है, इसकी जो लिफ्ट ऑफ मास है ये 320 टन है
और ये तीन तरीके के होते हैं, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सी और पीएसएलवी एक्सएल। प्रथम प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को किया गया था, यह चीज बहुत अच्छी तरीके से रन किया। इसके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया 1004 उपग्रह को एक साथ भेजा गया था और यह 15 फरवरी 2017 को भेजा गया था पीएसएलवी सी जो है 37 से। अगली चीज ध्यान रखना है कि भाई जीएसएलवी क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं जियो शेनेरस सैटेलाइट लॉन्च, इसकी जब हम बात करते हैं तो शुरुआत में इनसैट श्रेणी के जो उपग्रह थे उनको भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित करने के लिए इनको डेवलप किया गया। ठीक है, तीन चरण इसमें भी मिलते हैं। जीएसएलवी की जो पहली उड़ान थी ये 1540 के ग्रह भार वाले जीसेट 1 को जो है लेकर के ये 18 अप्रैल 2000 जो है 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से संपन्न हुई। दूसरी चीज इसकी विशेषता क्या, ऊंचाई 49 जो है 0.13 मीटर है, व्यास इसका 3.4 मीटर है, चरणों की संख्या 3 है। प्रथम प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को होता है, कितना ले जा सकता है 414.75 टन ये ले करके जा सकता है, ध्यान। फिर हम बात करते हैं उपग्रह कार्यक्रम की, भारत की। भारत के उपग्रह कार्यक्रम में भाई दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणाली अपने यहां है, संचार टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवा। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसैट और संसाधनों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम IRIS के तौर पर जानते हैं, ये दो चीजें अपने यहां इस्टेब्लिश है। इनसैट में भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह शामिल है और IRIS में भू प्रक्षेप यानी अर्थ ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वेटरी आपके उपग्रह होते हैं। पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान का उपयोग करके अपने यहां भेजा गया। इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, जैसे भू स्थिर उपग्रह क्या है, ये भू स्थिर जो है उपग्रह जो होते हैं उस कक्षा में स्थापित उपग्रह है जिनकी घूर्णन अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान, मतलब किसी जगह पर हमें 24 आवर नजर रखनी है तो इनको वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से 35,780 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है जिसमें उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर उसकी कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो एक लेखक होते आर्थर सी क्लार्क, उन्होंने ही इसकी संकल्पना दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जब आप आगे देखेंगे एक जो प्रणाली आपकी आती है जिसको हम इनसैट श्रृंखला कहते हैं, इनसैट की जब हम बात करें इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ठीक है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की व्यापक घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक होता है। ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं 1983 में इनसैट 1B ठीक है कि प्रवर्तन के साथ स्थापित किया गया इस प्रणाली को, और बाद में ठीक है इस प्रणाली में सी विस्तारित सी केयू जो है बैंड ट्रांसपोर्ट जो है दूरसंचार टेलीविजन प्रसारण मौसम पूर्वानुमान आपदा चेतावनी और खोज बचाव कार्यों में भी ये सेवाएं अपनी दे रहा है। ठीक है, कल्पना वन हो गया, एडोसैट हो गया, ये सब आपके इनसैट 1B टाइप के क्या होते हैं, इनसैट श्रृंखला के आपके उदाहरण होते हैं। फिर बात करते हैं जैसे भू स्थिर उपग्रह बहुत सारे हैं, इनसैट आपका 1A है 1982 में 10-4 को गया, इनसैट 1B है 1983 में आपका 3 जो है 30-8 को, इनसैट 1C है 1988 में, इनसैट 1D है 1990 में प्रक्षेपित हुआ, इनसैट 2A है 1992 में प्रक्षेपित हुआ, इनसैट 2B है 1993 में गया, इनसैट 2DT है 1998 में जो है प्रक्षेपित हुआ, 2E है 1999 में प्रक्षेपित हुआ, इनसैट 3B है ये वर्ष 2000 में प्रक्षेपित हुआ। ऐसे ही तमाम चीजें हैं, जीसेट 1 है, इनसैट 3C है, कल्पना है, इसमें से कोई नाम भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का आपका क्या है उपग्रह है, यह भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में कुछ चीजें आपकी और हैं, जैसे हम बात करते हैं भू प्रेक्षण उपग्रह क्या होते हैं। भू प्रेक्षण उपग्रह की जब हम बात करते हैं तो भू प्रेक्षण उपग्रह का मुख्य उद्देश्य होता है कि भूमि के बारे में भौतिक रासायनिक तथा जैविक सूचना एकत्रित करना। ठीक है, यह भारतीय सुदूर जो है संवेदन उपग्रह प्रणाली होती है, और इसमें जब हम बात करते हैं IRIS उपग्रह प्रणाली 1988 में IRIS 1A के प्रमोशन के साथ आरंभ होती है। ठीक है, और इसमें जब हम बात करते हैं विशेष तौर पर IRIS श्रृंखला की श्रृंखला में कौन कौन से हैं, भास्कर 1 है जो 1979 में आपका प्रक्षेपित हुआ, RS D1 है, भास्कर 2 है, RS D2 है, ये पूरा का पूरा इनका क्रम होता है जिस क्रम में क्या किया गया था इनको आपके डेट वाइज आपका भेजा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसमें दक्षिण एशिया उपग्रह को आप ध्यान रखिएगा, GSAT-9 जो हम लोग नाम देते हैं, ये दक्षिण एशिया सहयोग संगठन जो सार्क क्षेत्र के लिए है इसरो के द्वारा एक भू समकालिक संचार उपग्रह है, और इस उपग्रह को 5 मई 2017 को प्रक्षेपित किया गया था।
यह तो आपके विशेष तौर पर रही जब हम बात कर रहे हैं स्पेस आपके प्रोग्राम जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम रहे, ऐसे ही एक वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा इंडियन न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, तो जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हाँ आपको वीडियो कितनी पसंद आई, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। फिर आपको नई वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।